i am dr lakshmi tripathi i am working as a professor in pharmaceutical chemistry department of agra public pharmacy college agra today here i am going to discuss about sachet mohr theory right so let us start with the theory before explaining sachet mohr theory you should very well know about bear's chain theory right sasheshe theory इज एन एक्सटेंशन और मैं कहूं जो कंसेप्ट बैर नहीं समझा पाए थे अपनी थ्योरी में उसका एक्सटेंशन है आपका सेशन मोड थ्योरी राइट तो क्या ऐसे पॉइंट्स रह गए जो बैर की थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे जिन्हें सेशन मोड थ्योरी के, के थ्रू समझाया गया इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बैर स्ट्रेन थ्योरी में कौन से ऐसे पॉइंट्स रह गए थे यू मस्ट बी नोइंग दिस वेरी वेल कि बेड स्ट्रेन थ्योरी क्या है बेड स्ट्रेन थ्योरी साइक्लो एल्केस की स्टेबिलिटी को समझा समझाता प्रपोजल है वो थ्योरी है जो साइक्लो एल्केस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही है अगर मैं इसमें चलूँ तो साइक्लो एल्केस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी प्रपोज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थ्योरी प्रपोज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साइक्लो हैं क्या फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं अल्केन ले लेती हूँ मैं यहाँ पर ब्यूटेन ले रही हूँ सी एस टू सी एस थ्री मैं ब्यूटेन ले रही हूं अगर इसको ओपन रिंग के जगह मैं एक साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा वो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा राइट अगर मैं इस ओपन चेन और इस क्लोज चेन को कंपेयर कर रही हूँ इन दो स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर कर रही हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करती हूं कि यहां के कंपेरिजन में इसमें रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा हो गए राइट right? यहां के कंपेरिजन में इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज्यादा हो गए अब क्योंकि एक ओपन चेन स्ट्रक्चर एक क्लोज फॉर्मेट में आ गया है तो क्या होता है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है नेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये रिलेटिवली अनस्टेबल हो कैसे पता चला कि कोई चीज़ रिलेटिवली अनस्टेबल है क्योंकि अगर साइक्लो एल्केन्स को रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के मौके दिए जाएं लेट फॉर एग्जांपल आप इसे हाइड्रोजनेट कर देते हैं निकल के प्रेजेंस में आप इसे हाइड्रोजनेट कर दो निकल के प्रेजेंस में तो क्या होता है तुरंत ही ये यहाँ से रिंग ब्रेक ओपन हो जाती है और साइक्लोब्यूटेन की जगह आपको ओपन ब्यूटेन स्ट्रक्चर मिल जाता है तो ऐसा क्यों हुआ कोई भी रिएक्शन कंपाउंड कब देगा कंपाउंड रिएक्शन तभी देगा जब बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल अगर बनने वाला प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल नहीं है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तो अगर साइक्लोब्यूटेन मैं देख लूँ या फिर साइक्लोप्रोपेन की मैं बात करूँ अगर ये दोनों रिंग ओपनिंग रिएक्शंस दे रहे हैं इसका मतलब जो साइक्लाइज रिंग स्ट्रक्चर है वो ओपन रिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है इस कारण से स्टेबिलिटी कंसेप्ट ऑफ साइक्लोलिक को समझाने की जरूरत पड़ी अब किसने सबसे पहले समझाया सबसे पहले समझाया बेर ने यहां से थ्योरी को समझने से पहले हमें बेर थ्योरी के लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा अगर मैं बैर थ्योरी के लिमिटेशंस को डिस्कस करूं तो पहले तो मैं बैर थ्योरी डिस्कस करती हूं बैर का क्या कहना है सिंपल सी बात है एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का साइक्लोप्रोपेन में अगर मैं बॉन्ड एंगल देख रही हूँ तो वो सिक्सटी डिग्री का है लेकिन आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का होता है ये कितना होता है 109 डिग्री का बैर का ये कहना था कि 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और साइक्लाइज करने के लिए रिंग को कंप्रेस किया जाता है मतलब 109 से यहाँ कंप्रेस किया गया और 109 से यहाँ कंप्रेस किया गया और वो कंप्रेशन क्या है वो एंगल स्ट्रेन है जितना ज्यादा कंप्रेस किया जा रहा है उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है राइट और जितना ज्यादा कंप्रेस किया गया उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है और जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है उतना ही ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ठीक है यह बात हमें आगे ही समझ में अब अगर मैं इस थ्योरी को साइक्लोप्रोपेन पे साइक्लोप्रोपेन जिसको मैं ज्योमेट्रिकल फिगर में ट्रायंगल से बताती हूँ साइक्लोब्यूटेन जिसको मैं स्क्वायर से बताती हूँ पूरी तरह से वैलिडेटेड है मतलब उसके लिए सफिशेंट साइंटिफिक एविडेंसेस आपके पास थे अब अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी थ्योरी वैलिडेटेड थी क्यों किस तरह से आप समझिए अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूँ तो साइक्लोपेंटेन को हम एक पेंटागन स्ट्रक्चर से बता सकते हैं राइट right? पेंटागन स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब 108 डिग्री का होता है और नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री का था तो 109 से 108 सौ अटेन करने के लिए बहुत ही कम कंप्रेशन करना पड़ रहा था कम कंप्रेस करना पड़ रहा था क्या हुआ बॉन्ड एंगल जो एंगल स्ट्रेन था वो बहुत कम है और बहुत कम एंगल स्ट्रेन होने के कारण साइक्लोपेंटेन का जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है स्टेबल है ये आपको कैसे पता चलता है ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि साइक्लोपेंटेन को अगर आप रिंग ओपनिंग रिएक्शंस करवाएं आपने जब केमिकल कंपाउंड्स का लेक्चर सुना होगा तो साइक्लोपेंटेन को सॉरी मैंने प्रोपेन कह दिया साइक्लोपेंटेन को अगर मैं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में फॉरवर्ड करती हूँ तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देते राइट तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन यहां तक तो बेर स्ट्रेन की थ्योरी को पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने माना अब परेशानी तब आई जब ये साइक्लो के स्ट्रक्चर पे चले चलिए अब हम साइक्लो का स्ट्रक्चर देखते साइक्लो हेगजेन के स्ट्रक्चर को मैं एक हेक्सागन के रूप में बता सकती हूँ जो जोमेट्रिक जो ज्योमेट्रिकल जो जो फिगर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है वो एक हेक्सागन है अब अगर मैं देखूं तो हेक्सागन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब 120 डिग्री का होता है मानते हैं आप मेरी बात ये बात भी हमें पता है अच्छी तरह से कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो है वो 109 है नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 है इसका मतलब क्या हुआ कि अब बॉन्ड को कंप्रेस नहीं करना पड़ रहा रिंग बनाने के लिए अब बॉन्ड को वाइडन करना पड़ रहा है हो रहा है कि नहीं यहाँ पर देखिए ये 109 हम चाहते हैं बॉन्ड एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल लेकिन 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में आ ही तब पाएंगे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बना ही तब पाएंगे जब वो 120 डिग्री पे हो राइट तो 120 लाने के लिए हमें 109 से वाइडन करना पड़ा बाहर की तरफ खोलना पड़ा तो अब बेयर ने इस पे क्या कहा बेयर ने ये कहा सीधी सी बात है चाहे आप कंप्रेस करें चाहे आप ब्रॉड करें आप जितना 109 से दूर जाएंगे 109 सौ बॉन्ड एंगल से दूर जाएंगे उतना ही एंगल स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा यहां पर नेगेटिव फॉर्म में एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए लेकिन दिस वाज नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंसेस साइंटिफिक एविडेंसेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस का यह कहना है कि जो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन तो अगर यहां मैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार चलती तो यहां पर भी एंगल स्ट्रेन ज्यादा था और ये भी अनस्टेबल होता और तुरंत रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता मगर ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ पर बेर्स थ्योरी फेल हो जाती है दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी जिसको फिर से मोर थ्योरी के थ्रू समझाया गया राइट तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन की आपको जरूरत थी जिससे आप ये समझ सकें कि कौन सी लिमिटेशन ऐसी है बेर्स थ्योरी की जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सैशन मोड थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया गया तो अब हम डिस्कस करते हैं हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या प्रपोज हुआ सैशमो थ्योरी में जो कि बेयर स्टेन थ्योरी के इस लिमिटेशन को इसने कवर कर दिया सैशे थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ स्ट्रेन लेस रिंग राइट सैशे ये नहीं मानते कि ऐसा कोई एंगल स्ट्रेन बन रहा है साइक्लोहेक्जेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो नहीं मान रहे इस बात को कि कोई एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है इसलिए इस थ्योरी के उन्होंने दूसरा नाम दिया थ्योरी ऑफ स्ट्रेन लेस रिंग मतलब ये रिंग बनाने में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा इसलिए ये थ्योरी है स्ट्रेन लेस रिंग का 1885 में बैर की थ्योरी आने के बाद सैशे मोर की जो थ्योरी थी उसका जो पुट फॉरवर्ड हुई थी वो 1918 में हुई और इसको प्रपोज किया गया था साइंटिस्ट सैशे एंड मोर्न ये बेसिकली क्यों प्रपोज की गई थी ये प्रपोज की गई स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्जेन एंड हायर साइक्लिक एनालॉग्स को समझाने में राइट तो वहां पे बेयर स्टेन का लिमिटेशन था वो नहीं समझा पाए तो इन्होंने थ्योरी ऑफ स्ट्रेन लेस रिंग को प्रपोज करके समझाया कि साइक्लोहेक्सें और हायर साइक्लिक एनालॉग्स किस तरह से स्टेबल हैं वो क्यों नहीं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते हैं इनके एजम्पन्स बेयर स्ट्रेन थ्योरी से विपरीत थे देवर टोटली डिफरेंट क्या डिफरेंस था बेयर ने अपनी थ्योरी प्रपोज करते समय क्या कहा था कि साइक्लो एल्केन का जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है राइट मतलब सारे मान लो मैं सेगजेन की बात करूं यहां मैं, हायर देख रही तो मैं क्यों प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन की बात करूंगी सीधे हेक्जेन की अगर बात की जाए तो हेक्जेन में कितने कार्बन है आपके बेर का यह कहना है बेयर की थ्योरी में यह कहा गया कि ये सभी एक ही प्लेन में मतलब एक दो तीन चार पाँच और एक ही प्लेन में है। राइट लेकिन सैशे ने इसके विपरीत कहा सैशे इन द कॉन्ट्ररी टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी सैशे मोर एज्यूम्ड दैट ऑल कार्बन ऑफ द रिंग आर नॉट प्लेनर राइट ऑल कार्बन ऑफ द रिंग आर नॉट प्लेनर मतलब कार्बन एक ही प्लेन में ना होके कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई आगे है कोई पीछे है इस तरह से एक प्लेन में ना हो के ये जो सारे कार्बन है स्ट्रेन थ्योरी के कॉन्ट्ररी वो ये प्रपोज किया गया कि जो सारे कार्बन हैं वो एक प्लेन में नहीं है अब एक प्लेन में न होने से ये कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोहेक्सेंग की स्टेबिलिटी को इससे समझने की कोशिश करिए स्टेटमेंट कहता है शैशे थ्योरी का <coughs> कि साइक्लिक रिंग कैन बिकम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ स्ट्रेन इफ ऑल कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इन वन प्लेन ऑल कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इन वन प्लेन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मान लो आपको कहीं जाना है आप सड़क पे आए और ऑटो का वेट करने लगे राइट ऑटो चलते हैं ऑटो का आप वेट करने लगे और ये शेयरिंग वाला ऑटो है उसमें पीछे से भी लोग बैठ के आ रहे हैं आपको उसमें बैठना पड़ेगा आगे कुछ लोग उतर जाएंगे आपको सीट मिल जाएगी कुछ और लोग चढ़ जाएंगे इस तरह का एक शेयरिंग ऑटो है आपको उसमें बैठ के जाना है क्या हुआ जैसे ही आप ऑटो आप ये खड़े हुए हैं ऑटो का वेट कर रहे हैं ऑटो आता है जब ऑटो आता है तो आप क्या देखते हैं कि ऑटो ऑलरेडी फिल्ड है चार की सीट है और चार लोग पहले से ही बैठे हुए हैं लेकिन आप वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते आपको बैठना है आपको आगे जाना है ऑटो तो वाला आपसे कहता है बैठ जाओ तो चार की सीट में अब पांच लोग कैसे बैठते हैं चार की सीट में पांच लोग कैसे बैठते हैं यह आपकी सीट है कोई आगे हो जाएगा कोई पीछे हो जाएगा कोई आगे हो जाएगा कोई पीछे हो जाएगा तो क्या किया अभी ये चार लोग एक ही प्लेन में बैठे हुए थे लेकिन अगर आगे पीछे करके बैठते हैं आगे पीछे करके बैठते हैं या कोई बच्चा है मान लो लेट फॉर सपोज बच्चा है वो खड़ा हो जाता है या वो नीचे बैठ जाता है फुटरेस्ट पे तो क्या होता है वो डिफरेंट प्लेन में चले जाते हैं और डिफरेंट प्लेन में जाने के कारण यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है वो चार से बढ़कर क्या हो जाती है पांच हो जाती है। राइट right? अब जहां पहले अगर एक ही प्लेन में बैठते तो चार से अधिक लोग नहीं बैठ पा रहे थे वहां पर डिफरेंट प्लेन में जाकर ऊपर एक कोई खड़ा हो गया एक कोई नीचे बैठ गया एक कोई आगे को सरक गया कोई पीछे को धस गया इस तरह करके मोर देन फोर पीपल आर सिटिंग ऑन दैट सीट इसको विजुअलाइज करते हुए अब आप मेरी बात को सुने सैशे मोर ने प्रपोज किया कि साइक्लिक रिंग्स कैन बिकम एप्सोलूटली फ्री ऑफ स्ट्रेन इफ कार्बन आर नॉट फोर्स इन वन प्लेन अगर सारे कार्बन को एक ही प्लेन में रखोगे तो वो तो 120 डिग्री का ही एंगल बनाएगा एक भाई आप जब हेगजेन को पेपर पर पे ड्रॉ करते हो तो आप इसका टू स्ट्रक्चर ही तो ड्रॉ कर रहे हो भाई टू स्ट्रक्चर क्या है एक प्लेन है हम जब पेन और पेपर का वर्क करते हैं तो हम सिर्फ टू डी काम करते हैं टू डी एक प्लेन है एक्स एंड वाई एक्सिस वाला राइट लेकिन नेचर में कंपाउंड टू डी में एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं थ्री डायमेंशनली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस राइट तो सारे कार्बन्स को एक प्लेन में अगर आप रखेंगे तो उनके बीच में आपको बॉन्ड एंगल 120 ही लाना पड़ेगा और 120 आने के लिए क्लोज्ड चेन बनाने के लिए उन्हें 120 पर ही आना पड़ेगा और 120 लाने से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जबरदस्ती वही बात हो गई कि मान लो ये चार लोग बैठे हैं और वो डिफरेंट प्लेन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप अगर उन चारों के बीच में सीट में घुसते तो क्या होता बड़ा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता आपको भी दिक्कत होती और जो लोग सीट में पहले से बैठे हुए थे वो उनको भी दिक्कत होती हो सकता था वो आपको ऑटो से बाहर फेंक देते राइट मतलब ये मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूं मतलब लीस्ट प्रोवोकेशन जैसे उन्हें मौका मिला वो गिरा देते बाहर कहते कि नहीं नहीं बैठ पा रहे हैं पांच तो मतलब, रिंग ओपन होनी चाहिए लीस्ट हो प्रोवोकेशन पे साइक्लोहेक्न साइक्लो नहीं हो रही इसका मतलब वहां स्ट्रेन नहीं है क्यों नहीं है स्ट्रेन इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन एक प्लेन में नहीं है और जब वो एक प्लेन में नहीं है तो आगे पीछे जिस तरह से आप बैठकर चार की सीट में पांच लोग बैठ जाते हैं तो उसी तरह से आगे पीछे डिफरेंट प्लेन में होने से जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के क्लोज आ जाता है और स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता तो यही बात इसने एज्यूम करी इसने क्या कहा कि इफ रिंग एज्यूम सा इफ रिंग एज्यूम सा प्लकर्ड स्ट्रक्चर प्लकर्ड मतलब टेढ़ा मोड़ा हुआ ये क्या है स्ट्रेट है अगर मैं इसको बीच से ऐसे मोड़ दू तो ये क्या हो जाएगा प्लकर्ड हो जाएगा तो वॉट डे इट से नॉर्मल टेट्राइड्रल एंगल ऑफ हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट टू एट इज रिटेन राइट प्लक ये स्ट्रेट है ये स्ट्रेट क्यों है क्योंकि ये एक ही प्लेन में अगर मैं इसे प्लकर करती हूँ तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे हूं, मैं इसे मोड़ती तोड़ सकती हूँ तो ये अगर मैं यहाँ से मोड़ती हूँ तो ये ऊपर प्लेन में रहेगा और दूसरा वाला जो एंड आएगा वो नीचे प्लेन में आ जाएगा तो क्या हुआ प्लेन बदले तो इनका ये कहना है कि एक प्लेन में ना होने के बावजूद अगर मैं प्लेन को बदल देती हूँ स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ना रख के मैं प्लकर कर देती हूँ कंपाउंड को ट्विस्ट कर देती हूँ तो क्या होता है कि 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल रिटेन रहता है और अगर 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल रिटेनड है तो स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस होगा समझ रहे हैं आप चार की सीट पे आगे पीछे करके पांच लोग बैठ गए ठीक है थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं है अब क्या है पाँच लोग बैठ गए स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुआ अब आपको ये खतरा नहीं है कि कोई ज्यादा मजबूत आदमी आपको ऑटो से बाहर फेंक देगा तो सिमिलरली आप यहां पर भी ऑब्जर्व करते हैं कि क्योंकि एक प्लेन में ना होने के कारण प्लकर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ये 109 डिग्री स्टेबल टेट्राहेड्रल एंगल के क्लोज आ जाते हैं इसलिए ये स्टेबल हैं इनमें कोई स्ट्रेन नहीं होता और जब स्ट्रेन नहीं होता तो स्ट्रेन फ्री रहते हैं है ना थ्योरी का क्या नाम है स्ट्रेन लेस रिंग्स तो स्ट्रेन फ्री रहते हैं स्ट्रेन लेस रहते हैं और ये रिंग्स स्ट्रेन लेस होने के कारण स्टेबल होते हैं और रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देते हैं तो दिस मस्ट दिस एग्जाम्पल मस्ट क्लियर हाउ व्हेन कंपाउंड्स कम इन डिफरेंट प्लेन और गेट प्लकर्ड इट इज इजी फॉर देम टू अचीव द नॉर्मल एंगल अब

फॉर्म जिसमें साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है वो है बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म वो क्या है आपका बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस बोट फॉर्म एंड व्हाट इज दिस चेर फॉर्म सी दीज आर द टू कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या है कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन के देखिए साइक्लोहेक्सेन कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन की ओपन क्लोज चेन स्ट्रक्चर सिमिलरली कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये भी छह कार्बन की क्लोज चेन स्ट्रक्चर है अगर इसको टू डी में आप देख दे तो ये किस तरह दिखता है ये इस तरह से दिखना चाहिए था लेकिन इस प्लेनर स्ट्रक्चर को प्लक किया गया प्लकर्ड किया गया फ्लिप किया गया है दो प्लेन्स राइट right? तो आपको दो स्ट्रक्चर्स क्या मिलते हैं आपको एक मिलता है बोट फॉर्म स्ट्रक्चर और दूसरा इसको कहते हैं चेयर फॉर्म देखो कुर्सी जैसा बन रहा है ना ये कुर्सी जैसा बन रहा है इसलिए इसको हमने कहा चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर और ये बोट का शेप ले रहा है इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने कहा बोट फॉर्म स्ट्रक्चर इसमें आप एक बात देखेंगे हर स्ट्रक्चर में छह हाइड्रोजन एक्जियल है और छह हाइड्रोजन इक्विटोरियल है अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्जियल हाइड्रोजन एंड इक्विटोरियल हाइड्रोजन एक्जियल हाइड्रोजन क्या है आप यहां से देखिए मान लीजिए आप सेंटर से एक एक्सेस ड्रॉ करते हैं वो सभी हाइड्रोजन जो इस एक्सिस के पैरेलल हैं बिल्कुल वो एक्जियल होते हैं राइट एक सेंटर से एक इमेजनरी एक्सिस अगर आप ड्रॉ करें और जितने हाइड्रोजन इस एक्सिस से पैरेलल हैं वो सभी एक्जियल ओरिएंटेशन होता है और जो इससे पैरेलल नहीं हैं, वो जो सारे होते हैं वो आपके इक्विटोरियल हाइड्रोजन होते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एक इमेजनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि छह हाइड्रोजन जो हैं आपके एक्चुअल हैं और छह हाइड्रोजन इक्विटोरियल हैं। इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल नेचर में डिफरेंट कन्फॉर्मेशन पे मूव करता है और वहां पे जाके रेस्ट करता है जो सबसे स्टेबल है एग्जाम्पल से आप देखें यहां पर क्या है साइक्लोहेक्सेन का जब मैंने स्ट्रक्चर देखा तो ये ग्राफ में यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं और यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं साइंटिस्ट का ये कहना है कि जैसे पेपर में तुमने एक हेक्सेन ड्रॉ कर दिया इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते थ्री में एग्जिस्ट करते थ्री में एग्जिस्ट करने के कारण ये मोर देन वन प्लेन्स में होते हैं मोर देन वन प्लेन्स में भी होने के बाद ये रोटेट करते रहते हैं रोटेट उस तरह से करते हैं जिससे वो ऐसे स्ट्रक्चर पे आ जाए जिसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो यूनिवर्सल लॉज हमें ये बताते हैं कि हर वो कंपाउंड जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे है वो स्टेबल है थ्री डी कन्फर्मेशन में आने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप यहां से देखो तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है हाफ हाफ चेयर 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 स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का है Half chair मतलब आधा chair structure. अब ये इसके कार्बन इस रोटेट करेंगे एनर्जी कम होने लगेगी ये करीब 23 किलो कैलोरी पर मोल पे आ गई ये ट्विस्टेड बोर्ड स्ट्रक्चर पे आ गया फिर उसने रोटेट करना चालू किया फिर वो बोर्ड स्ट्रक्चर पे आ गया बोर्ड स्ट्रक्चर की करीब एनर्जी होगी 30 किलो कैलोरी पर मोल लेकिन वो रोटेट करना बंद नहीं करेगा वो फिर भी रोटेट करता रहेगा वो किस पे आएगा ट्विस्टेड बोर्ड स्ट्रक्चर पे आएगा इसकी जो एनर्जी है वो करीब 23 किलो कैलोरी पर मूल है फिर वो रोटेट करता रहेगा वो हाफ चेयर स्ट्रक्चर पे आएगा और फिर फाइनली जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है फोर्टी किलो कैलोरी पर मूल है और फिर थ्री रोटेशन चलता रहेगा जब तक वो चेयर कन्फर्मेशन अचीव नहीं कर लेता जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है तो चेयर कन्फर्मेशन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होने के कारण द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेश्स में आता है राइट right? तो सैशे ने ये बताया कि नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर जो बोट है और जो चेयर है वो दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को आसानी से अचीव करते हैं ओनली बिकॉज उनके जो कार्बन्स हैं वो एक प्लेन में नहीं है एक प्लेन में ना होने के कारण नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल प्लक्ड स्ट्रक्चर अटेन करके आसानी से अचीव किया जा सकता है इतना ही नहीं प्लक्ड स्ट्रक्चर में भी कई सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सबसे कम एनर्जी दो एक्सट्रीम्स हैं प्लक्ड स्ट्रक्चर के दो एक्सट्रीम्स हैं एक एक्सट्रीम एक तुम्हारा बोट कन्फर्मेशन है और एक एक्सट्रीम तुम्हारा चेयर कन्फर्मेशन है तो इसमें चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी वैल्यूज में डिफरेंट हैं और सबसे कम एनर्जी वैल्यू किसकी है चेयर कन्फर्मेशन के इसलिए चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबलेस तो साइक्लोहेक्सेन रिंग कैन एज्यूम मेनी कन्फर्मेश साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग मूविंग 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 फ्लिपिंग फ्लैपिंग फ्लिपिंग फ्लैपिंग इट अटेंस द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी और जैसे ही लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं होता तो तब फ्लिपिंग फ्लैपिंग बंद हो जाती है फ्लिपिंग फ्लैपिंग कंटिन्यूज लेकिन ये माना जाता है फॉर एनी टाइप ऑफ मॉलिकुलर इंटरक्शन बायो मोलिकुलर इंटरैक्शन द मोलिक्यूल विल फ्लिप एंड फ्लैप फ्लिप एंड फ्लैप अनटिल इट अचीव द लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन और अगर मैं साइक्लो एल्के बात साइक्लो हैगजेंस की बात, बात करूँ तो यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन आपका चेयर कन्फर्मेशन है तो इस एनर्जी ग्राफ से हमने समझाया कि किस तरह से का जो मॉलिक्यूल है वो फ्लिप एंड फ्लैप फ्लिप एंड फ्लैप करता रहता है डिफरेंट में बदलता रहता है और सबसे लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन को अचीव करता है अब इस बात को हम साइंटिफिकली वैलिडेट भी करते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन कैसे हो रहा है इस बात का इस बात का साइंटिफिक वैलिडेशन सीधे सीधे इस बात से होता है कि जब आप साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स को प्रोवोक करते हैं कि आप रिंग ओपनिंग रिएक्शन दें फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड्रोजिनेशन करवाने की कोशिश करूं निकल के प्रेजेंस में मैं इसे ब्रोमिनेशन करवाने की कोशिश करूं, या फिर मैं इसे हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने की कोशिश करूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन व्हाट हैपेंस दिस विल

केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी तो यहाँ पर भी क्योंकि फ्लिप्ड स्ट्रक्चर में आने के कारण ये नॉर्मल टेट्राहड्रल एंगल से क्लोज आ जाते हैं हायर साइक्लिक एनालॉग्स साइक्लोहेक्सन एंड हायर साइक्लिक एनालॉग्स नॉर्मल टेट्राहीड्रल एंगल से क्लोज आने के कारण इनमें स्ट्रेन नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेन नहीं है अब स्ट्रेन नहीं है क्योंकि तो वो स्टेबल महसूस करते हैं, हैं। चढ़े और जो जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे सब ने एक म्यूचुअल कंसेंट करके डिफरेंट प्लेन में चले गए कोई खड़ा हो गया कोई बच्चा था किसी के खड़ा हो गया किसी के पास बच्चा था तो किसी ने अपनी गोद में ले लिया आगे पीछे कर लिया क्या हुआ सभी पैसेंजर्स आराम से बैठ के ऑटो में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी हुई है कि छह के छः कार्बन डिफरेंट प्लेन में चले गए प्लकर्ड स्ट्रक्चर अटेंड कर लिया नॉर्मल टेट्राइड्रल एंगल के क्लोज आ गए और हेंस क्या हुआ एक स्टेबल स्ट्रक्चर अटेंड किया तो जो बेर थो स्ट्रेन थ्योरी का प्रॉब्लम था बेयर स्ट्रेन थ्योरी का जो मॉडिफिकेशन सॉरी जो लिमिटेशन था उसको सैशन मोड थ्योरी ने बहुत ही बखूबी बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड ही वेल एक्सप्लेन्ड हाउ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर एनालॉग्स आर स्टेबल एंड साइंटिफिक एविडेंसेस ने भी इनके थ्योरी को सपोर्ट किया कि साइक्लो एंड हायर साइक्लिक एनालॉग्स जो थे वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देते थे तो अगर मैं कंक्लूड करती हूं पूरे सेशमोड थ्योरी को तो हम तीन पॉइंट में कंक्लूड करेंगे ऑल कार्बन आर नॉट इन द सेम प्लेन पॉइंट नंबर सेकेंड टू कम क्लोज टू नॉर्मल टेट्राइड्रल एंगल कार्बन स्ट्रक्चर्स गेट फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग रोटेशन राइट फ्लिप फ्लैप फ्लिप फ्लैप करके वो डिफरेंट प्लेन में ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स uh, बनाते हैं प्लकर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हैंस स्टेट्राहैड्रल एंगल के क्लोज आने के कारण वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स एंटेन करते हैं और रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देते हैं तो दिस वाज ऑल अबाउट सैशे मोर थ्योरी होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल थैंक यू